हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आप अपन लोग कथा का आज दूसरा दिन है, तो आपको लेकर आए हैं अमलेश्वर कथा दिखाने और सुनाने और माहौल दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, अपन पहुंच चुके हैं अमलेश्वर में। ये देखिए रास्ते में हूँ और देख सकते हैं महाकाल भक्त पूरे गाड़ियों से आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप है और नौटप्पा का धूप है बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब करने वाली धूप है भाई साहब। तो अपन ने देख सकते हैं, अपन ने भी गमछा वगैरह सब बांध दे रहा हूँ और सभी तिलक लगाने वाले भाई साहब लोग सभी भक्तों पे तिलक वगैरह लगा रहे हैं। तो चलिए पंडाल में चलते हैं। देखिए अब पंडाल के सामने जस्ट आ चुके हैं अपन लोग। तो चलिए अपन महाराज जी का दर्शन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी तरह के स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, देख सकते हैं रुद्राक्ष सभी तरह के, मतलब ज़रूरत के सामान स्टॉल लगे हुए हैं। और अपन डोम में आ चुके हैं, देख सकते हैं मेरे सामने डोम पंडाल, तीन डोम लगा हुआ है। इधर देख सकते हैं सामान वगैरह सभी तरह का। तो दोस्तों देख सकते हैं महाकाल भंडारी और भक्त लोग, देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ क्राउड, देख सकते हैं इधर भी। छियालीस डिग्री टेम्परेचर है बोल रहा है, उसमें भी भक्त देख सकते हैं महाकाल भक्त। दोस्तों देख सकते हैं इतना गर्मी, प्रकृति से छेड़छाड़ करने से ही ये सब चीज होता है। तो आप लोग भी पेड़ वगैरह लगाएं, इतनी ज्यादा गर्मी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, नौटप्पा का गर्मी। तो
आपको भी यकीन आ गया। शंकर राम कहते हैं मंथन में निकला हुआ विषय जब पुण्य प्रबल बिलासपुर में पता होने वाली थी फिर तैयारी हो गई सारा पंडाल मंडाल सब लग गया पुण्य प्रबल नहीं होगा आले पोसा होने वाली थी पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा बीमारी से ग्रसित हो गई है चल फिर नहीं सकती पलंग पर पड़ी रहती है गंदगी भी पलंग पर करती है वो तो चलिए दोस्तों आज है कथा का दूसरा दिन और आज कथा समापन हो चुका है और अभी आरती हो रही है दोस्तों आज का कथा का समापन हो चुका है। देखिए सभी भक्त महाकाल भक्त अपने अपने घर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं अपने जगह छोड़ रहे हैं। आज का कथा समापन हो चुका है देख सकते हैं सभी भक्तगण जा रहे हैं। हर हर महादेव हर हर
सभी भक्तों से निवेदन रहेगा, धीरे धीरे होले होले से रस्ते की ओर बना होंगे, किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की ना करें। गुप्तराम में 500 रुपए की चलिए दोस्तों, सभी भक्त निकल रहे हैं अपने अपने घर जाने के लिए। अब मौसम भी थोड़ा सुहावना हो चुका है। पांच हजार